इस आदमी की नजर में ये पूरी दुनिया बेकार है। दिनों के बाद आना हुआ। माल कहाँ है? माल उस हरे तालाब के किनारे खड़ा है। ये 10 रुपए की सिगरेट के लिए इतने पैसे? हे, लोग इसको अय्याश नंबर 1 कहते हैं। इसे अय्याश के साथ क्रेंज वीडियो का उस्ताद भी कहा जाएगा। इसे कार में बैठा के होटल में खाने खाने ले जाएगा। क्या कर रही हो ये? आप तो अय्याश है ना, आपको नहीं पता। रानाली खान, तुम क्या कर रहे हो? समझ रहे हो? मैं उस दलदल से एक लड़की खरीद कर लाता हूँ और उसे आजाद कर देता हूँ। तो सारी लड़कियों को एक साथ आजाद कर देना। गजब बेइज्जती है। ऐसी भाईयात वीडियो में फिर व्यूज कहाँ से लाएगा ये? आज दिखाने वाला हूँ मैं सबसे घटिया दमाद। ससुर जी, हो या निकल लिए? चुप दमाद जी। इतनी तेज तो राजधानी एक्सप्रेस भी नहीं चलती थी, तो उतर रहा नीचे। आओ दामाद जी, आओ पानी पियो। रुको, कोल्ड ड्रिंक खुद पी ली और मुझे इस बोतल में पानी पिला रहे हो? दामाद हूँ, मुझे बेवकूफ बना रहे हो? ये तो खलनायक ही पी जाएगा। दामाद हूँ, मेरे लिए बड़ी बोतल मंगाओ। इतनी बड़ी बोतल तो ऐसा मांग रहा है कि अपने पूरे खानदान को पिलाएगा। इसकी माँ का भोला चेहरा। बोतल मंगाओ, थक गया हूँ, बढ़िया खाना बनवाओ। दामाद जी, गलती हमारी गलती, तुम पूरे मोहल्ले के दामाद हो, रहो थोड़ा नरम। खाना मंगा रहे हैं, 2 मिनट में तुम्हारे लिए गरम गरम। 20 मिनट में तो पिज्जा आता है, 2 मिनट में खाना कहाँ से आएगा? बात तो सही है, दौड़ना तो पड़ता है। वीडियो की स्क्रिप्ट लिखते समय के तुम सस्ता नशा कर लेते हो। नवाब साहब, ये रेता मेरे पास काफी सालों से रखा हुआ था, क्योंकि ये मेरे पूर्व। इसकी ऐसी गंदी शक्ल देखकर नवाब को घर का नौकर ज्यादा दिखाई दे रहा है। इसकी माँ का भोला चेहरा। बजो की आखिरी निशानी थी, लेकिन मेरे इस नालायक नौकर ने इसमें पिसी हुई शक्कर मिला दी। मुझे किसी भी कीमत पे अपने पूर्वजों का ये रेता चाहिए या इस नौकर की जान। पुराने समय के पूर्वज सोना चांदी छोड़ के जाते, तेरे लिए तो बस मिट्टी छोड़ के गए। ये कभी पुराना हो ही नहीं सकता। इस आदमी की नजर में तो सर लड़के निकम्बे और बेकार होते हैं। मैम, एक बात पूछूं? हाँ पूछो। आपने अभी तक शादी क्यों नहीं की? पहले तो ये बता, पढ़ने आया है कि शादी की पूछने आया है? शाबाश बेटा, ये शादी की। बेटा ईशान, रिश्ते तो मेरे बहुत सारे आए, लेकिन मैंने सबको मना कर दिया। क्यों मैम? इस बूढ़ी लेडी से शादी कौन करेगा? असंभव। को जन्म देने वाली थी, तब पापा ने कहा कि अगर इस बार भी लड़की पैदा। तुम्हें एक किस एंगल से बाप बनता दिखाई दे रहा है? का इंतकाल हो गया और भाई विदेश में जॉब करने चला गया। पापा बहुत कमजोर हो गए हैं, उनको सहारा। इसका ये थोपड़ा देख के विदेश वाला क्या इंडिया वाला भी नौकरी नहीं देगा। आगे बच्चा, अपनी गोलियां खत्म हो गई हैं। नहीं, हम जीत के कुछ ही कदम के फासले पर हैं। अगर आज पीछे हटा तो मेरा देश पीछे रह जाएगा। जब तेरे पास गोली खत्म हो रही है तो लड़ेगा किससे? समझ रहे हो? से भरे खलिहान मेरे जल झूम के भीड़ा पाद। इस वीडियो की तरह ही गोली भी नकली है। आ, क्या कह रहा चूतिया? मेरे जल झूम के भीड़ा पाद रहे वो गांव मेरा जान लटके। अरे तुम लोगों ने स्प्रे वाले को पैसे नहीं दिए थे क्या? तुम्हारे ऊपर मारने की जगह पे झंडे पे स्प्रे मार रहा है। कौन है ये लोग, कहां से आते हैं? ये बताइए कि आप जॉब क्यों करना चाहती हैं? इस सनाली से पैसे की जरूरत होगी, जब ही तो वो नौकरी कर रही है। बात तो सही है। किराए के घर में रहती हो क्या? नहीं, पति के घर में रहती हूं। तो फिर क्यों बनाना? जब तेरा पति का घर है तो अपना घर बनाएगी, क्या करेगी? इनका अलग ही मैटर चल रहा है। माँ खराब हो जाएगा, मैं माँ अम्मा बहन पे आ जाऊंगा मैं इनकी। ससुराल आ गए हम अपनी। हा? अरे इमरान भाई, ये तो साहिबा है। अरे यार, इसने तो शादी कर ली। किससे? अरे नीचे देखो। अरे इस बोने से शादी करी तुमने? अरे भाई, वो बोना नहीं है, बॉस है। बॉस है, पता कहाँ का गटर का। कौन है ये लोग? एक बात बताओ यार, इस बोने के साथ कैसे खुश रह लेती हो तुम? जो कुछ भी हुआ उसे भूल जाओ, अपना नया नंबर दो, मैं कॉल करूंगा। मेरी पर्सनालिटी देखो यार, और कहाँ ये बोना। तेरे जैसी पर्सनालिटी तो घोड़े की होती है। भैया भैया, देखो कैसे लग लिया। अरे पागल, ये चश्मा यहाँ नहीं आँखों में पहनते हैं। ओए पागल मत कहिए मुझे। जब तू पागल जैसी हरकत करेगा तो पागल चूतिया कहेंगे।
क्या बात है, पागल को खिला दो। माँ तो मर गई और पापा भी मर गए, ये पागल भाई बचा है। जैसे ये जहर वाली खीर खाएगा और मर जाएगा और सारी प्रॉपर्टी अपनी हो जाएगी। भाई ले ये खीर खा ले। अभी मुझे पागल क्या लिया था? भाई पागल तू नहीं, पागल तो मैं हूँ। और मैं भी पागल हूँ। तुम दोनों पागल हो। इस्तान अली को पागल समझ रहा था, उससे बड़े वाले पागल हैं। चल इधर, लो रखो अपनी लड़की को। पापा। बेटा बेबी जी क्या हुआ? हर बार मुझे टोकती है, रात के 11 बजे आऊं या 12 बजे आऊं, क्यों टोकती है? बहन तूने कैसे हस्बैंड बना लिया इस कलुए को? अभी मजा आएगा ना भिड़ो। अरे मालिक साहब गुस्सा मत कीजिए, अगर मारता भी है तो क्या हुआ, है तो आपकी ब्रदर का ही। चुप, वरना तेरे बाप के सामने मारूंगा तुझे भी। मेरी बेटी को हाथ तो लगा। एक तरफ भारत सरकार बेटे बचाओ बेटे पढ़ाओ अभियान चला रही है, एक तरफ ही अपने बेटे को पिटवा रहे। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। तेरे बाप ने अगर छाता दिया होता ना तो इस बारिश में भीगने से बच जाता मैं। 200 रुपए की छतरी नहीं खरीद सकते, ताने मार सकते। चुप, जब तुझे बारिश में भीगना ही नहीं था तो घर से निकला ही क्यों? क्या कह रहा है भाई? भाई फ्री की दावत खाने के लिए। बेटा खलनायक जा, आतंक मचा। खोलो नाना, खोलो, देखो कौन आया है। दामाद जी। और दामाद जी का बेटा नालायक साथ में आया है खलनायक। बेटा खलनायक ठीक हो? नहीं हूँ ठीक, 50 रुपए दे दो हो जाऊंगा ठीक, हटो। बेटा खलनायक ऐसे 50 रुपए मत मांगा कर, 1000-2000 रुपए मांगा कर। अबे साले तेरे बाप की जेब में भी है 1000 रुपए। शाबाश। अभी आ रहा हूँ, ऑफिस जा रहा हूँ। अबे ये कौन सी ऑफिस होती है बे? अबे साले से हमारे गांव में शौचालय बोलते हैं। अच्छा सुनिए, नाश्ता कर लीजिए। तुझसे कितनी बार मना किया है, अपनी काली सी शक्ल लेके मेरे सामने मत आया कर, हट सामने से। अबे तू कौन सा गोरा चिट्टा ऋतिक रोशन है तो काला बंदर ही है ना। और अभी तो रुको, क्लाइमेक्स अभी बाकी। 1 महीने से सर का दर्द नहीं जा रहा, दवाई दिला दीजिए। अगर ये आफत मर जाए तो मैं दूसरी शादी कर लूँ। वो गली में जो डॉक्टर है उनसे ले आइए दवाई। आप भी चलिए। मुझे देख और अपनी शक्ल देख, तेरे साथ जाके अपनी हंसी उड़वानी है क्या मुझे? तेरी ये शक्ल हीरो से नहीं मिलती, काले बंदर से मिलती है। भाई इस बंदे के अंदर कितना टैलेंट है भाई। यहीं पे ही है। आए हाय, देखियो राजा बेटा आएगा, राजा बेटा। हाँ सारे चाहिए के सलमान लाला, जरा बजाइए तो बढ़िया वाला। इस साल अली तुम्हें समझ सकता हूँ, तुम्हारे चैनल में व्यूज नहीं आ रहे, तो व्यूज के लिए कुछ भी कर सकते हो क्या? कुछ रुपए झोली में डाल कर दे हमको माला माल। इस साल अली तुम वीडियो छोड़कर ये काम कर लो स्टार्ट। तुमसे ना हो पाएगा। हाँ बेटा इधर को आजा, बता क्या लेना है। मैं नहीं बताऊंगा। ये वाली डॉल लूंगी, 200 रुपए की है ये। मैं पैसे तो नहीं लाई, अपने भैया को लेके आती। ठीक है यार, ये बच्चे दिमाग खराब करने चले आते हैं। साले जब तुम दुकान खोली खिलौनों की तो बच्चे नहीं तो तेरे पापा आएंगे फिर। बहन बता कौन सी गुड़िया पसंद आई तुझे? ये वाली। भैया ये पैक कर दो। 200 रुपए? 200 रुपए तो नहीं है मगर मेरे पास ये है। ये क्या? अरे भाई सवेरे सवेरे भांग चढ़ा के आया है क्या? सब बच्चों को पता है पैसे चीज मिलती है, तू ये पत्थर लेके आया है? अच्छा बेटा ये पत्थर बहुत कीमती हैं। साले वो इतना कीमती कैसे होगा, बस सोने के पत्थर थोड़ी नहीं है। बेटा पापा ये क्या ड्रामा है, लगता है आपको अम्मी की कुछ ज्यादा ही याद आ रही है। छोटी सी थी तू। हाँ साले तो मस्त अगर लड़कियों से मिलती है, लड़की बनने की जरूरत क्या है, तुम ये बात तो ऐसे बता सकते थे। और अभी तो रुको, जब तेरी माँ हम दोनों को छोड़ के चली गई, आज तेरी माँ बन के तेरे ये पापा तुझे कुछ सिखाना चाहते हैं, जो हर माँ बाप को अपनी बेटी को सिखाना चाहिए। बेटी जब भी कभी झाड़ू लगाओ तो अपने दुपट्टे को गर्दन से इस तरह दबा के, और उस दुपट्टे को लड़की के गले में फंसवा दे, उसकी फांसी लगवा दे, तो कहने क्या चाहता है, लड़कियों को मरवाएगा। शाबाश बेटा। हाँ वो वाले कपड़े वो तो धो दिए मैंने और प्रेस भी कर दी, शादी के बाद लड़की की उम्र इसी में निकल जाती है। फिर तूने ये शादी करी क्यों थी? हमने तुझसे कहा शादी नहीं करती तो आते रही जिंदगी बर्बाद नहीं होती। झूठ बोल रहा है। मेरा प्यारा बेटा चलो खेलो आराम से, तुम दोनों का ट्यूशन का टाइम हो गया, चलो जल्दी। अल्लाह के नाम पे कुछ दे दे बेटा। क्या मैं आपसे एक सवाल पूछ सकती हूँ? अल्लाह वो तेरे घर पे कुछ मांगने के लिए आया नहीं, कुछ बताने के लिए आया, तू सुबह से पूछ रही है। क्या बात है,